हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर समर क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10 का होगा केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया था। और मैंने कहा था कि आपको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, मैं थोड़ी आपको बता दूंगा। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले चीज कि आप लोगों को अगर पीरियड टेबल में जितनी भी कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, वो सारे प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अलोंग टू एंड अलोंग टू ए। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है, वो वीडियो को जाकर के पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, पहला। दूसरा कि हमारा जो किसी भी एटॉमिक नंबर के आधार पे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के द्वारा हम ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लिए हैं, उसका क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे करेंगे। याद रखिएगा इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछता है, इस बार भी पूछने की संभावना पूरी है, तो आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एलिमेंट है ए, बी और सी, इसका एटॉमिक नंबर है 2, 10 और 5। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको बताना है कि इसका ग्रुप क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, और इसमें से किसकी जो प्रॉपर्टीज होगी ये आपकी क्या होगी, मतलब सेम होगी, मतलब सेम चेन प्रॉपर्टीज की दोनों की होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो भी दो एलिमेंट अगर सेम ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं, सबका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं और ये पता करते हैं कि किसका ग्रुप और पीरियड कौन सा होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट ए है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है बी, इसका है 10, तो के में भरेंगे 2, इसके बाद आएगा हमारा 8, तो 2 8 कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है सी, हमारा कॉन्फिगरेशन है 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो याद रखिएगा लास्ट सेल में ऑलवेज के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 मैंने बताया था, और लास्ट सेल में हम हमेशा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, बोर्स मॉडल में ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो देखिए पहला वाला एलिमेंट है के सेल में है, के सेल में है तो इसका नंबर ऑफ सेल 1 है, तो नंबर ऑफ सेल बताता है हमारा पीरियड, जिसमें कितना सेल है वो बताएगा आपका नंबर ऑफ पीरियड, मतलब किस पीरियड में वो है, ठीक है। दूसरा जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 1 या फिर 2 है तो उसका जो ग्रुप होगा वो जेल या फिर 2 होगा, लेकिन अगर 3 से लेकर के 1 अगर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका हो जाएगा 10+3 2 8। ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कस करते हैं कि पहला वाला 2 है। अब ये चीज जो है ये आपको याद रखना होगा कि हीलियम का आउटर में तो 2 ही है, फिर भी ये ग्रुप 18 में आता है, बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस और मॉडल पीरियड टेबल में सारे नोबल गैस के लिए ग्रुप नंबर 18 रखा गया है। तो इसकी कॉन्फिगरेशन 2 होने के बावजूद भी ये आपका एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन ये इसका आपका ग्रुप हो जाएगा 18 और पीरियड हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 ही है। नेक्स्ट आता है डी, डी में देखिए नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, तो ये हो जाएगा आपका पीरियड हो जाएगा इसका 2 और ग्रुप हो जाएगा 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 10 ऐड करते हैं तो ये भी हो जाएगा 18। नेक्स्ट है यहाँ भी नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ पीरियड इसका हो जाएगा 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, 2 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका 13। तो अब आप देखिए किस दोनों का ग्रुप सेम है, 18 का, तो इन दोनों की 3 केमिकल लेकर क्या होगी, सेम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ पे आपको ऊपर वाले एटॉमिक नंबर दे दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दिया है, तो कॉन्फिगरेशन के आधार पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर 3 एलिमेंट है और इन तीनों का क्या है कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, तो इसके आधार पर आपको बताना है कौन सेकंड पीरियड में होगा, कौन सेकंड ग्रुप में होगा, कौन 18 ग्रुप में होगा। तो चलिए हम फिर से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2, 2 6, 2 8 और
इसके बाद हम अगर बात करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा किस सेकंड क्रिएट होना चाहिए, और बीएड के लिए मैंने बताया है नंबर ऑफ सेल, तो के है एल है एम है, सबसे ज्यादा सेल किसमें है, इसमें ये कितना सेल हो जाएगा 3, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है सेकंड क्रिएट पूछा है तो 2 सेल होना चाहिए, तो 2 सेल किसमें है वाई में है, तो ऑप्शन नंबर वाई इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है सेकंड ग्रुप, अब सेकंड ग्रुप होने के लिए क्या होना होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 होना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 कब होगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 होगा तो उसकी हो जाएगी ग्रुप 2, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए मैंने ग्रुप कितना बताया है आपको 2 बताया है, तो इसके लिए अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन इसका वाई और इसका सी। नेक्स्ट एटम ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 है तो 1 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें ये तीनों क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो ए बी सी का एटॉमिक नंबर दे दिया है, तो देखिए ए का आपका है एटॉमिक नंबर है 3, बी का है 9 और सी का है 11, तीनों का हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका हो जाएगा 2 1, इसका हो जाएगा 2 7, इसका हो जाएगा 2 8 1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2 1 2 7 2 8 1, और मैंने कहा था केमिकल प्रॉपर्टी उसी की सेम होगी जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसका मतलब ए और सी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ग्रुप और पेयर पता कर लीजिए, और अगर ग्रुप और पेयर पता कर लेते हैं तो सेम ग्रुप में अगर है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जरूरी है कि यही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इस बार भी हो सके तो आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करेगा, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल आपको बना करके दे देगा, यहाँ पे देखिए 1 है 2 ग्रुप है 13 है 14 है 15 है 16 है 17 है 18 है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ठीक है, ये आपको वहां पे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा किस तरीके से दिया जाता है। तो आप सबसे पहला काम इसमें आपका क्या होगा कि सबसे पहले आप इस पूरे टेबल को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, मतलब इस टेबल को ध्यान से देखोगे कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे है, उसे किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, इसको मतलब बड़ा बनाता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। और ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब देखिए 2 में है यहाँ पे C है, 14 में यहाँ पे A है, 16 में नीचे में B है, ऊपर में B है, और यहाँ पे आपका E है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपके मन में सबसे पहला चीज आपको प्रयोग याद आना चाहिए, किस प्रयोग टेबल में कौन चीज कहाँ पे है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस तांचू अल्फाबेट में आपको बताना है हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन इसमें से कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन फैमिली होगा, तो मैंने बताया था कि पहला ग्रुप को बोलते हैं नंबर 12 में अल्कली मेटल, क्या कहते हैं अल्कली मेटल, दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजन, ठीक है, और ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से चीज को हम क्या कहते हैं। आप देखिए हैलोजन कौन सा होगा एलिमेंट बी, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट बी इज हैलोजन। नेक्स्ट है कि बॉन्ड बी में ए एंड बी, मतलब ए का
बी के साथ जो बॉन्ड हुआ वो कैसा हुआ? तो आपको मैंने बताया था कि जब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो चार से ज्यादा हो दोनों एलिमेंट का, जिसका भी आप बॉन्ड बना रहे हो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार या चार से ज्यादा हो, ये फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये याद रखिएगा। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एक का चार से कम हो जाए, अगर किसी एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से कम हो जाए तो वो आपका कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि 14 से लेकर के 17 ये दोनों, मतलब ये 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट अगर आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे कोवेलेंट, ठीक है? और अगर 1, 2, 13 का एलिमेंट 14, 15, 16, 17 में से किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वो होगा आपका आयनिक, ठीक है? आप ऐसे भी रखना चाहो रख सकते हो, ऐसे भी रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है? तो बॉन्ड बिटवीन भी, तो 14 का 17 के साथ बॉन्ड होगा तो वो कैसा होगा? कोवेलेंट होगा, ठीक है? कैंसिल कर इसका कोवेलेंट। नेक्स्ट है बॉन्ड बिटवीन सी एंड डी। तो देखिए सी एंड डी के साथ जो बॉन्ड होगा, देखिए मैंने क्या बोला था 1, 2, 13 का किसी भी 7, 14 के साथ ये कैसा होगा? हमारा आयनिक होगा, क्योंकि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो ऑक्सीजन उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 3 से कम है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? आयनिक कहलाएगा। तो यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट में आयनिक। नेक्स्ट है डाईवैलेंट एनायन। आप एक चीज याद रखिएगा, मोनोवैलेंट एनायन कहलाएगा, डाईवैलेंट एनायन या मोनोवैलेंट कहलाएगा, डाईवैलेंट कहलाएगा, दिस ऑल आर डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वो मोनोवैलेंट कटायन, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 डाईवैलेंट कटायन, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ट्राईवैलेंट कटायन। जब हम एनायन की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो ट्राईवैलेंट एनायन, 6 डाईवैलेंट एनायन और 7 मोनोवैलेंट एनायन। इसका मतलब अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1 मोनोवैलेंट कटायन, ग्रुप 2 डाईवैलेंट कटायन, अब ग्रुप 13 ट्राईवैलेंट कटायन, ग्रुप 15 ट्राईवैलेंट एनायन, ग्रुप 16 डाईवैलेंट एनायन और ग्रुप 7 मोनोवैलेंट एनायन। तो यहां पे देखिए 16 में डी है, तो 16 वाला क्या फॉर्म करता है? डाईवैलेंट एनायन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं एग्जामिनेशन में, इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पूछता है, जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका सपोज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 12 है, एक एलिमेंट वाई है जिसका मान लीजिए 17 है। क्वेश्चन ये करता है कि एक्स की कंफिगरेशन लिखिए, वाई की कंफिगरेशन लिखिए, फिर एक्स का ग्रुप और पेयर बताइए, वाई का ग्रुप और पेयर बताइए, उसके बाद दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होगा वो बताइए। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये एक क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा अगर दोनों का है तो वो बने, अगर एक का अगर चार से कम है तो आयनिक। देखिए इसका कंफिगरेशन करते हैं 2 8 2, इसका कंफिगरेशन करते हैं 2 8 7, इसका ग्रुप हो जाएगा 2 पीरियड हो जाएगा 3, इसका ग्रुप हो जाएगा 17 पीरियड हो जाएगा 3। कैसे किया हमने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है 10 ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ शेल जितना होगा उतना पीरियड हो जाएगा। अब देखिए किसी एक में 4 से कम होना चाहिए तो हुआ, तो ये हो जाएगा आयनिक। कभी कभी एलिमेंट का नाम पूछता है तो 12 क्या होता है? मैग्नीशियम। 17 क्या होता है? फ्लोरीन। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? MgCl2। अगर नॉर्मल अगर पूछता है किस तरह का कंपाउंड XY फॉर्म करेगा तो XY2 टाइप, ठीक है? इसमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर खत्म, आपका सिलेबस फिनिश, बट आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी दिक्कत होता है ग्रुप में आंसर भेजोगे, क्लासेस में आकर के भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, कैसे आपको करना हो तो कर सकते हो, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, अपना ध्यान रखो, थैंक यू।